द विंडो के स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी में आप रोमांच से भरी ये नई कहानी मेरे यानी अभिषेक बारिट के साथ शुरू कर रहे हैं। ये 10 जून 1980 में बर्मिंघम इंग्लैंड में एक आम दिन था। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट संख्या 5390 स्पेन के मलागा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान भरने के लिए रनवे पर तैयार खड़ी थी। सभी यात्री विमान में सवार हो चुके थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 5390 के पायलट टिमोथी लैक्सटर को ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद विमान अपने सभी पैसेंजर्स को लेकर रनवे पर दौड़ पड़ा। टेक ऑफ के वक्त विमान में सब कुछ सामान्य था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। टिमोथी लैक्सटर के साथ उनके को पायलट नाइजल ऑगडन भी उनके साथ बगल में कॉकपिट में बैठे थे। फ्लाइट संख्या 5390 अब 20 मिनट की अपनी उड़ान से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। फ्लाइट के कैप्टन टिमोथी लैक्सटर ने फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। यहां तक भी सब कुछ सामान्य था। टिमोथी लैक्सटर ने अपना सीट बेल्ट खोलकर सीट पर एक अंगड़ाई ली और थोड़ा सा और आराम से बैठने के लिए उन्होंने अपना लैप बेल्ट भी खोल दिया। जब उन्होंने विमान को ऑटो पायलट मोड पे किया था तो प्लेन तकरीबन 17,500 फीट की ऊंचाई पर था, पर हालांकि ये करीब करीब ठीक ऊंचाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा इसे 23,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। प्लेन में पीछे बैठे यात्रियों को ड्रिंक और खाना सर्व किया जा रहा था और सभी पैसेंजर एक अनजान खतरे की तरफ बढ़ रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन टिमोथी लैक्सटर को अचानक कुछ चटकने की आवाज़ सुनाई दी और तेज धमाके के साथ उनके सामने की विंडशील्ड यानी विमान का शीशा तेज धमाके के साथ बाहर की तरफ उड़ गया। इतनी ऊंचाई पर 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा सीधे कॉकपिट में बाहर से धुंध के साथ अंदर घुसी और कॉकपिट के अंदर बने एयर प्रेशर ने फ्लाइट के कैप्टन टिमोथी लैक्सटर को टूटी हुई विंडशील्ड से बाहर फेंक दिया, लेकिन उनके पैर उनकी सीट और हवाई जहाज के कंट्रोल पैनल के बीच फंस गए और वो नीचे गिरने के बजाय जहाज की विंडशील्ड पर पिंडलियों तक बाहर आ गए और तेज हवा के दबाव के सामने उसी खिड़की पर सीधे लटक गए। को पायलट कुछ समझ पाते उसके 20 सेकंड से भी कम समय में यह हादसा हुआ। को पायलट नाइजल ऑगडन ने एक झपट्टा मारकर सीधे केबिन में फंसे कैप्टन टिमोथी लैक्सटर के पांव अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिए, लेकिन 350 मील प्रति घंटे की हवा के दबाव के सामने धीरे धीरे कैप्टन टिमोथी लैक्सटर के पांव उनकी पूरी ताकत लगा देने के बावजूद उनके हाथों से फिसलने लगे। को पायलट नाइजल ऑगडन कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। वो चीख रहे थे और इतने दबाव में वो खुद टूटी हुई विंडशील्ड की तरफ खींचे चले जा रहे थे जो उनको भी पायलट के साथ बाहर गिरा सकती थी। केबिन में सब कुछ अपनी जगह से गिर रहा था, सामान कागज सब कुछ। विमान के अंदर -17 डिग्री की ठंडी हवा ने 250 मील प्रति घंटे की स्पीड से अंदर आती हवा के साथ में सब कुछ विमान में जमाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ विमान से बाहर लटके कैप्टन टिमोथी लैक्सटर का सिर बार बार विमान से टकरा रहा था, साथ ही उनकी पिंडलियों पर दबाव पड़ने और पैनल के बीच आने की वजह से उनका खून बह रहा था। उनके हाथ में भी गंभीर चोटें आ रही थी। उनका शरीर बेहद ठंड से हाइपोथर्मिया की तरफ बढ़ा जा रहा था, साथ ही उस वायुदाब की वजह से वो पलक तक नहीं झपका पा रहे थे। ये सब कुछ सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट जॉन हीवर्ड कॉकपिट में पहुंचे और अंदर का नज़ारा देखकर वो भौचक के रह गए। उन्होंने को पायलट नाइजल ऑगडन की मदद करते हुए कैप्टन टिमोथी लैक्सटर के पैर खुद पकड़ लिए और को पायलट को प्लेन संभालने के लिए कहा जो ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गया था और तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। को पायलट नाइजल ऑगडन ने विमान का कंट्रोल संभाला और विमान को नीचे लाने लगे और साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया कि उन्हें एमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाए। उधर हवाई जहाज में भीषण वायुदाब की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और पैसेंजर सांस लेने में दिक्कत महसूस करने लगे, पर जल्द ही को पायलट नाइजल ऑगडन ने विमान को
11,000 फीट की ऊंचाई पर ला रखा, लेकिन ये नाकाफी था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट सेमन रोजर भी हीवर्ड और नाइजल लॉकडेन की मदद करने के लिए अंदर आ गए और उन्होंने भी कैप्टन टिमोथी के पैर कसकर पकड़ लिए, पर हीवर्ड और सेमन के हाथों से भी कैप्टन टिमोथी के पांव फिसल रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और को पायलट से पूछा कि उन्हें अब कैप्टन के पांव छोड़ नहीं पड़ेंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और विमान में डीकंप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन को पायलट नाइजल लॉकडेन ने उन्हें कहा कि वो बस कुछ देर तक अपनी पूरी ताकत झोंक दें और कैप्टन के पांव किसी भी सूरत में ना छोड़ें। पर दोनों फ्लाइट अटेंडेंट ने तर्क दिया कि शायद बार बार विमान से सिर भिड़ने की वजह से कैप्टन की मौत हो गई है, लेकिन को पायलट नाइजल लॉकडेन ने उनके तर्क का विरोध किया और कहा कि अगर आपने कैप्टन के पांव को छोड़ दिया तो उनका शरीर फ्लाइट के इंजन से टकरा सकता है और विमान में सभी सवार लोग मारे जा सकते हैं। को पायलट की बात सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट अपनी पूरी ताकत से कैप्टन को थामे रहे और दूसरी तरफ एटीसी ने प्लेन को साउथहैम्पटन में एमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दे दी और तुरंत को पायलट ने विमान की एमरजेंसी लैंडिंग साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर करवा दी। कैप्टन टिमोथी लेक्स्टर को 22 मिनट वायुयान से बाहर लटकते हुए रहना पड़ा था। ऐसे में कैप्टन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां वो जिंदा तो बच गए थे पर उन्हें शॉक लगा था। साथ ही उन्हें -17 डिग्री तापमान में भीषण हवा की वजह से फ्रॉस्टबाइट भी हो गया था उनकी राइट आर्म और कलाई, और साथ ही साथ लेफ्ट थंब की हड्डियां फ्रैक्चर हुई थी। उधर को पायलट नाइजल लॉकडेन को भी फ्रॉस्टबाइट हुआ था और उनकी कंधे की हड्डी भी डिसलॉकेट हो गई थी, लेकिन उनके और उनके साथियों के जज्बे ने न सिर्फ कैप्टन को बचाया बल्कि सभी यात्रियों के साथ प्लेन की सेफ लैंडिंग भी करवाई। एयर इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी में पता चला कि विंड स्क्रीन में लगे स्क्रू डायमीटर में छोटे थे और विमान के डिज़ाइन के हिसाब से उन्हें अंदर की तरफ फिट किया जाना चाहिए था, ना कि बाहर की ओर से। इंसानी जज्बे की रोमांचक घटनाओं के साथ और फिर मिलने के वादे के साथ शुक्रिया कहने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का आभार, शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.